इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होते हैं, इनके टाइप्स देखे थे एंड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक वर्कशीट भी अपलोड किया था, आई होप आप सबने वो वर्कशीट सॉल्व किया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सम्स कैसे लगे, एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट होए तो वो भी कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू कमेंट। अच्छा एक और बात कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके डाउट्स के अलग से वीडियो बनाऊं डाउट सेशन के नाम से, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है ना बच्चों, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करे, इट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने किया है एक्सेलरेशन, बॉडी हैज एक्सेलरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल है, अगर आप अपने व्हीकल कभी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद ना आप रेस देते हो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, एंड इसी रेस देने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन करना। फिजिक्स में कुछ नया है नहीं, अपने रोज करते हैं ये चीज, इसी को आज पढ़ना है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है तो मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इसी बात को अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अच्छा अब आप ये चेंज इन वेलोसिटी से क्या समझते हो? चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है बच्चों फाइनल वेलोसिटी, बॉडी की वेलोसिटी बढ़ी है ना, तो कितनी तक बढ़ी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अच्छा मैं इसे सिंबॉल्स में लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट होता है ए से, फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होता है वी से, इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट होता है यू से, एंड टाइम टी से। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी इज माई फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अपने पास एक कार है, बढ़िया कार है एकदम, तो जबरदस्त बीएमडब्ल्यू, ठीक है। अब ड्राइवर बैठा है अंदर, इनिशियल वेलोसिटी जो है कार की वो है मेरी 0 मीटर पर सेकेंड, कार अभी खड़ी है, ड्राइवर को आया जोश, ड्राइवर ने दिया रेस, बॉडी एक्सेलरेट होगी तो बढ़ेगी वेलोसिटी, कहां तक बढ़ी, 100 मीटर पर सेकेंड हो गई, जबरदस्त बीएमडब्ल्यू ना यार, एकदम स्पीड में बढ़ेगी वेलोसिटी, कितने टाइम में बढ़ी, 5 सेकेंड। मुझे कहा कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ नहीं करना हमें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फाइनल वेलोसिटी बच्चों देखो कितना 100 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, टाइम टेकन कितना है 5, तो ये मुझे दे देगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, तो यूनिट आ गए तो यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया है यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो मुझे जल्दी से सोच के बता दो कि वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता था, वेरी गुड मीटर पर सेकेंड, और टाइम का एसआई यूनिट तो बहुत इजी है सेकेंड, तो ये मुझे यूनिट दे देगा सेकेंड, सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, दिस इज माई एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। फर्दर दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, लार्जर यूनिट इज किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ये मेरा लार्जर यूनिट है, एंड स्मॉलर यूनिट की बात कर सके तो स्मॉलर यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज्यादातर हम एसआई यूनिट में ही डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स बच्चों याद रखना हमेशा एसआई यूनिट में ही सॉल्व होने चाहिए। ओके अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आई है कि एक्सेलरेशन होता है वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से कंडीशन में
मेरा एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जीरो होता है। तो उसका आंसर है कि भैया अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा ना तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, जिसको याद नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या था, मैं उसके लिए एक और टर्म यूज करता हूं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। याद आ गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब आपकी बॉडी की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब अगर चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो है, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। हेंस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन था ना, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड होता है। एंड अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जिस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब जस्ट लाइक स्पीड एंड वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं। एक होता था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ऐसे एक्सेलरेशन जिनमें बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मेरा वेलोसिटी का चेंज इक्वल होता है। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं एक डेटा देता हूं आपको। सपोज करो ये टाइम का डेटा है एंड ये टाइम का डेटा है और ये वेलोसिटी का डेटा है। मैंने कह दिया एक रस बॉडी खड़ी है, 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम उठा लो, मान लो मैंने 0 to 1 इंटरवल ऑफ टाइम उठाया, कितना टाइम लिया है, 1 सेकेंड का गैप उठाया, इसमें बच्चों मुझे कैलकुलेट करके बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 = 10 मीटर पर सेकेंड की चेंज इन वेलोसिटी आई। चलिए दूसरा इंटरवल ऑफ टाइम उठाते हैं, तो मान लीजिए मैंने 2 to 3 सेकेंड का इंटरवल उठा लिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठा ना, अगर पहले 1 सेकेंड का उठाया तो अभी भी मैं 1 सेकेंड का इंटरवल ही लेगा। इस इंटरवल में मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी मुझे 10 मीटर पर सेकेंड आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और इंटरवल टाइम ये वाला ले लेते, चलिए 1 सेकेंड to 2 सेकेंड वाला, इसमें भी टाइम गैप 1 सेकेंड का है एंड चेंज इन वेलोसिटी कितना, देखो 20 - 10 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आप देख रहे हो, आपने जब ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उठाता हूं, मेरा चेंज इन वेलोसिटी कैसा हो रहा है, वो भी तो इक्वल हो रहा है। देखो ना, यहां पे मैंने 1 1 सेकेंड का इंटरवल उठाया एंड इसी 1 1 सेकेंड में मेरा देखो चेंज इन वेलोसिटी सेम हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करने जाऊं, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मेरी बॉडी की वेलोसिटी, बहुत बढ़िया गैस किया होगा आपने, मेरी बॉडी की वेलोसिटी विल इंक्रीज नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। इसका मतलब कि अब मेरे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं होगा। इसे भी डेटा से एक समझते हैं। सपोज करते हैं ये मेरा टाइम का डेटा, ये मेरा वेलोसिटी का। तो यहां पे दिख तो रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा। देखो 0 से 10 हुआ, 10 से 30 हो गया, 30 से 42 हो रहा है, 42 से 50 हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो चलो मैं इसका चेंज इन वेलोसिटी निकालते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। मान लो पहला इंटरवल मैंने ये ले लिया 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का इंटरवल लिया, इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालो बच्चों। कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 माइनस 0 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इंटरवल लेते हैं, चलिए ये वाला ले लेते हैं इस बार 2 मीटर सेकेंड से 3 सेकेंड तक। इसमें टाइम इंटरवल कितना है, देखो 1 सेकेंड का है ना। अब इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकालो कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया जिसने जवाब दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड। कोई दूसरा गैप उठा के देख लो, मान लो आप ये वाला उठाते हो गैप इन द सेंस, दूसरा इंटरवल ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी इंटरवल 1 सेकेंड का लिया, इंटरवल में इक्वल ले रहा हूं, उसमें चेंज इन वेलोसिटी निकाले, इसका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करे तो मेरे को क्या ऑब्जर्व मिल रहा है कि अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी ले लूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल। मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल। अभी किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ये आया होगा कि हम कब की एक्सेलरेशन की बात करें जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट। वेलोसिटी डिक्रीज भी तो हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो हम उसे क्या नाम देंगे, कैसे करते हैं, वो चीज देखते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन कब होगा, एक्सेलरेशन होगा जब भी मेरी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरे पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब मेरे इन एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। जिन भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो हम बोलते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है, एंड जिन बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी हम उसे बोलेंगे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। नेगेटिव एक्सेलरेशन की कहीं नाम है, इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, एंड एक और नाम है डिसेलरेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, प्रीवियस सारे एग्जाम्पल में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रही थी। अब बात करते हैं रिटार्डेशन की, तो रिटार्डेशन कुछ अलग टर्म नहीं है, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन, इसमें क्या होगा ना, इसमें मेरी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस। सेम ये भी दो तरीके की होगी, या तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी। अगर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगी तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रहा है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट या बॉडी नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रहा है। फॉर्मूला सेम है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है ना, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपको इजी समझ आएगा क्या बोल रहा है ना एग्जाम्पल, एक बार रीड करो। अ कार ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो क्वेश्चन पढ़ते ही तो हमें समझ आ जाएगा कि कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो कार रेस्ट पे आ चुकी है ना, ब्रेक मारे हैं तो एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट मतलब कार रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी वी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम ले लेते हैं, अच्छा टाइम मैंने मेंशन नहीं किया, टाइम सपोज करो 2 सेकेंड्स, टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन जब मैं निकालूंगा तो एक्सेलरेशन क्या था, वी माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10, डिवाइड बाय टाइम है मेरा 2, तो ये मुझे क्या देगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, अब मुझे बताना यह है आपको, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो यहां पे एक्सेलरेशन आया माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को मुझे अगर रिटार्डेशन के फॉर्म में लिखना हो कि बॉडी कितनी, बॉडी का रिटार्डेशन क्या है,
तो मैं कहूंगा कि बॉडी का रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वापस बोलता हूं, अगर मेरे बॉडी की एक्सेलरेशन थी तो एक्सेलरेशन इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन कितना है, रिटार्डेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो रिटार्डेशन मतलब स्पेसिफिक है, रिटार्डेशन मतलब स्पेसिफिक है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहां पे जो वैल्यू है ये मुझे देख के पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा लिखा है रिटार्डेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे पता चलेगा ये रिटार्डेशन पढ़ के यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब मैं सिर्फ एक्सेलरेशन बोला, दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये चीज मुझे वैल्यू बताएगी। वैल्यू ने क्या बोला, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 है, इसका मतलब ये क्या बात हो रही है, रिटार्डेशन की। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इजीली समझ आ जाएगा कि रिटार्डेशन एंड एक्सेलरेशन में मतलब क्या डिफरेंस है। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन रिटार्डेशन विल बी, क्या पूछा है मुझे, रिटार्डेशन। तो मुझे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू बाई टी। ये तो इजी क्वेश्चन, आप देख के ही बता सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। देखो कार रुक गई है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी आई है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन था, डिवाइड बाय कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में, 20, तो मुझे दे देगा -10/20, 0 0 का दे देगा -0.5 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है, देखो एमसीक्यू में दोनों ऑप्शन है, ये टिक करे कि ये टिक करे, तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि रिटार्डेशन कितना होगा, तो रिटार्डेशन के लिए हम नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे, रिटार्डेशन खुद बता देता है कि ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे +0.5 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन बोलता कि देन एक्सेलरेशन विल बी, रिटार्डेशन की जगह क्या लिखा होता, एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी कितना होगा ये पूछा होता, तो मैं टिक करता -0.5। लेकिन मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में मैं नेगेटिव साइन का यूज नहीं करता हूं। समझ आ गया। एक लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का लेक्चर का, एंड दैट इज एवरेज वेलोसिटी। अगले लेक्चर में हम एक प्रूफ देखेंगे जहां पे इसका टॉपिक का यूज हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं होता, बस एक मीन लेना है। तो मीन निकालना आता है सबको, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे। तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करिए, तो सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास वी है, और टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी इज टी, सेकेंड मीटर पर सेकेंड यूनिट। अब एवरेज वेलोसिटी कितना हो रहा है ना, एवरेज वेलोसिटी होता है, मुझे मीन निकालना है किसका, एरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। इजी था ये, तो कुछ भी नहीं याद रखना, ये चीज खाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम एवरेज वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करते। ओके, सो यहां पे हम हमारा एक्सेलरेशन का टॉपिक एंड करते हैं। जैसे मैंने स्पीड एंड वेलोसिटी पे वर्कशीट दिया है, उसी तरीके से मैं एक्सेलरेशन का भी वर्कशीट अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, डेरिवेशन पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन चैप्टर का। सो ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक